तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकड़ रिव्यू पे। और आज मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ ना भाई, साउथ की एक मूवी है जिस मूवी का नाम है रनम। और आज हम इस मूवी का रिव्यू करेंगे, हमें ये मूवी क्यों देखनी चाहिए, ऐसा इस मूवी में क्या है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को देखते टाइम। तो आइए इस वीडियो शुरू करते हैं। ये मूवी 2018 में आई थी और इस मूवी का जॉनर है एक्शन क्राइम और लगभग ये मूवी भाई 2 घंटे की होने वाली है। और इस मूवी को IMDb पे 6.5 की रेटिंग मिली है, गूगल यूजर ने इसे 84% के लाइक्स दिए और इस मूवी को डायरेक्ट किया है निर्मल सचदेवा ने। और भाई इस मूवी में आपको बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे जैसे पृथ्वीराज, रहमान, क्लाइन जोसेफ, मैथ्यू अरोर और ईशा तलवार। और भाई इस मूवी को देखने से पहले ना मैं बहुत एक्साइटेड था कि भाई मैं रनम मूवी देखने वाला हूँ। और कसम से भाई जब मैंने इस मूवी को देखा ना तो मैंने अपना मत्था पकड़ लिया कि भाई क्यों मैं ये मूवी देख रहा हूँ। लेकिन भाई इस मूवी से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था और भाई मूवी देखते टाइम मैं इतना बोर हो रहा था भाई, कसम से बता रहा हूँ, बहुत बोर हो रहा था। और मेरा कसम से मूड बन रहा था कि मैं वो साइड खोल दूं, लेकिन मैं सोचा कि नहीं यार, कॉन्सेंट्रेट करते मूवी पे और मूवी देखते है। और इस मूवी में जो पृथ्वी का कैरेक्टर है ना, जिसका नाम आदि है, वो एक तरह से गैंगस्टर है। और भाई उस कैरेक्टर से कनेक्ट होने में ना मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि भाई उसके बारे में थोड़ा बताया गया था स्टार्टिंग में कि भाई स्टार्टिंग में मरा पड़ा है, लेकिन मरा पड़ा नहीं, वो घायल रहता है और उसकी स्टोरी रहती है, स्टोरी में आपको बाद में बताऊंगा। इस मूवी में जो पृथ्वी का कैरेक्टर है ना, वो एक गैंगस्टर है, या ये भी कह सकते हैं वो एक ड्रग डीलर है, जो अपना काम, अपनी दुनिया छोड़ना चाहता है, लेकिन जो उनके सीनियर्स है ना भाई, वो उसे काम छोड़ने देना चाहते नहीं। लेकिन भाई पृथ्वीराज तो अपना भाई है, उसे तो काम छोड़ना है, भले कितने बंदों को टपकाना क्यों ना पड़े। लेकिन जब वो काम छोड़ता है तो उससे पहले उसको एक काम दिया जाता है कि अगर तुम ये मेरा काम कर देते हो तो मैं तुम्हें एकदम फ्री कर दूंगा। लेकिन फिर भी भाई गैंगस्टर तो गैंगस्टर है, अपनी बात के कहां मानते हैं भाई, लेकिन उसको फिर एक काम दे देते कि भाई तुझे ये काम करना है। तो पृथ्वी सोचता है कि यार ये मुझे छोड़ेंगे नहीं ऐसे, लेकिन फिर भी वो अपना काम करता रहता है। इस मूवी में भाई पृथ्वीराज का कैरेक्टर मुझे इतना गजब लगा ना भाई, कसम से, क्योंकि भाई इस मूवी में जो ईशा तलवार है उसकी एक बेटी है जो पृथ्वी पर क्रश रखती है, जो इस मूवी में पृथ्वी का एक भाई है जो जोसेफ को पसंद करता है, लेकिन जोसेफ पृथ्वी को पसंद करते हैं, लेकिन भाई हमारा पृथ्वी भाई तो बड़ा हैवी ड्राइवर है, उसको तो भाई बड़ा शिकार चाहिए। और इस मूवी में अगर ईशा तलवार को आप नहीं जानते तो भाई आपने मिर्जापुर 2 देखी होगी, जो मुन्ना भैया की बीवी है ना, उनका नाम ईशा तलवार है। अगर सोचो मुन्ना भैया को पता चल गया तो भाई क्या होगा। भाई ईशा के बारे में ज्यादा बकचोदी ना मार के भाई इस मूवी के प्लॉट पे आते हैं। और मूवी स्टार्ट होते ही आधे घंटे तक मूवी के प्लॉट में बताया जाता है और ये मूवी कम से कम 2 घंटे की होने वाली है, सॉरी 2 घंटे 9 मिनट की होने वाली है। स्टार्टिंग में आधे घंटे तक आपको प्लॉट बताया जाता है और बीच में कम से कम 1.5 घंटे में भाई कुछ नहीं, बकचोदियां चलती है बस, कि वो अपना काम छोड़ के एक गैराज में काम कर रहा है जहां पे इसका एक छोटा सा परिवार है। और जब मूवी खत्म होने से आधे घंटे पहले मूवी फिर अपने ट्रैक पे वापस आती है कि भाई उसे अपनी गैंग छोड़नी। इस मूवी में जो पृथ्वी का भाई है वो बीच में कुछ ऐसा ड्रग डीलिंग लोगों से काम कर लेता है कि भाई उसका नुकसान हो जाता है, उसका कोई बैग चुरा लेता है और जो ड्रग डीलर्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई हमें हमारा माल चाहिए वरना तू गया। तो इसमें पृथ्वी बोलता है कि भाई जो उसने गलती की है मैं सुधारूंगा, बताओ मुझे क्या करना है अपनी फैमिली को छुड़वाने के लिए। तो वो उसे काम देता है कि भाई तुझने ये अगर काम कर दिया ना तो भाई तेरे को छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन वो फिर भी भाई उससे कुछ ऐसा बड़ा काम निकलवाना चाहते हैं कि भाई उसको छोड़ने के बाद उसकी जिंदगी भाई पृथ्वी की खत्म होने वाली है। लेकिन इस मूवी में जो रहमान का कैरेक्टर है एक वो बहुत बड़ा ड्रग डीलर है, जो पृथ्वी को छोड़ता या नहीं छोड़ता उसके लिए आया आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी की भाई बेसिक स्टोरी यही है कि वो अपनी गैंग कैसे छोड़ता है और जो उनके सीनियर्स है, जो भी उनके मतलब माफिया गैंग के लोग है, उसको छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते या उसको लास्ट में टपका देते हैं, आपको इस मूवी में यही देखने को मिलेगा। और मूवी भाई थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन भाई अगर इस मूवी का माइनस पॉइंट गिनाने लग गया ना तो भाई ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं तो बोलता हूँ भाई इस मूवी को स्किप कर सकते हो भाई, देखने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर भाई जिन लोगों को देखने का मन है ना तो इस मूवी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको भाई इस वीडियो में भाई कुछ भी अच्छा लगा है ना तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय।